Let us start the lecture again. So we have proved this relation. That's a very nice relation. This rho composition, rho joint sigma. This relation we have proved. Rho joint sigma is equal to rho composition sigma power infinity. This infinity is actually, this is the notation. Actually, it's equal to the union n runs from 1 to infinity. Sigma composition, rho composition sigma power n. Power n means you are composing rho composition sigma. This relation, rho composition sigma, you are composing this relation n times. Okay, now let's prove our theorem. तो सबसे पहले हम लेंगे अगर पेयर इस कंपोजिशन में होगी सो अज्यूम दैट द पेयर ए बी बिलोंग्स टू रो कंपोजिशन सिग्मा विच इंप्लाइज दिस पेयर बिलोंग्स टू रो जॉइंट सिग्मा इज हियर फर्स्ट वन देन इट्स द कंपोजिशन पावर इनफिनिटी which we already proved this is equal to actually n runs from 1 to infinity union n runs from 1 to infinity rho composition sigma power n okay. So it is in the union so thus there exists see n greater or equal to 1 such that this thing AB belongs to rho composition sigma power n. Okay, so what is this actually? This is actually this rho composition sigma composition. Rho composition sigma composition. This is n times rho composition sigma. तो आपके पास a b इसमें है तो a और b connect होगी इस composition की मदद से. तो सबसे पहले इस sigma के लिए x1 exist होगा. एक्स वन सो दैट ए एक्स वन और एक्स टू सो दैट ए एक्स वन बिलोंग्स टू रो एंड एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू सिग्मा. फिर आपके पास इसका कंपोजिशन रो के साथ भी है तो वहां पर एक्स वन एक्स टू आपने लिया वहां पर एक्स टू एक्स थ्री हो गया एग्जिस्ट तो एक्स टू क्योंकि एक्स टू तो आपने लिया है ऑलरेडी एक्स वन एक्स टू अब एक्स टू एक्स थ्री पर आ जाएगा. एक्स टू एक्स थ्री बिलोंग्स टू रो एंड एक्स थ्री एक्स फोर बिलोंग्स टू सिग्मा. It's like this. So thus there exists x1 for the first pair, x1 x2 okay, x1 x2 for the first pair. Ax1 belongs to rho and x1 x2 belongs to sigma. Now for the second pair, आपके पास x2. जैसे पहले pair के लिए a आपके पास already था, तो आपको ये दो elements exist हो रही थी. अब next कंपोजिशन के लिए आपके पास ऑलरेडी x2 है. x2 इज विद यू सो यू फाइंड देयर इज x3 x4 सच दैट x2 x3 इज इन रो एंड x3 x4 इज इन सिग्मा. सो x3 x4 इसको आप कंटिन्यू कीजिए. और यहां पर फाइनली आपको मिल जाएगा x 2n minus 2 और x 2n minus 1 then finally बस इतने एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे odd number of elements belongs to S such that ये जो pair है ax1 ये होगी rho में और जो next pair है x1 x2 वो होगी sigma में. उसके बाद जो next pair है x2 x3 वो किस में आ जाएगी वो फिर से रो में आ जाएगी. और जो आपके पास इसके बाद वाली पेयर होगी x3 x4 वो होगी किस में सिग्मा में. तो आपको लग रहा है कि सिग्मा पर ये इवन पर खत्म हो रहा है तो कंटिन्यू आप इसको कीजिए. आपके बाद फिर यह आ जाएगी x इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ. तो जब भी आप सिग्मा में एलिमेंट ले रहे हो पेयर ले रहे हो उसकी जो सेकंड एंट्री है वो इवन आ रही है ऑलवेज. एक्स फोर एक्स टू आ गया इसमें ना तो सिग्मा पर खत्म हो रहा है.
इसको आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके बाय कंटिन्यूइंग दिस वी सी वी हैव दिस एक्स टू एन से लेट्स टेक टू एन माइनस फोर एक्स टू एन माइनस थ्री दिस शुड बी इन रो दिस नॉट इन सिग्मा एंड देन वी हैव एक्स टू एन माइनस थ्री एक्स टू एन माइनस टू दिस इज इन सिग्मा देन देयर इज एक्स टू एन माइनस टू x to n minus 1 this is in rho again and then finally we have x to n minus 1 then there is like there should be like x to n but we end with this pair so finally we have b here कन्वर्स आप खुद कीजिए कन्वर्स जो इसका है डू योर सेल्फ तो ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। इसमें एक क्रॉलरी है दैट्स If we have two equivalences on a set S or on a semigroup such that the commute rho composition sigma is equal to sigma composition rho, then this join is equal to आपने देखिए आपने इसमें क्या प्रूव किया आपने किया प्रूव ही rho composition sigma rho join sigma is equal to rho composition sigma power infinity ये आपने किया ना this thing you have proved in the previous term इसी का यूज एक्चुअली आपने किया। अब हम शो करेंगे अगर ये रो और सिग्मा इफ दे विल कम्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ओके अगर ये कम्यूट करे विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन मतलब अगर आपके पास होगा रो कंपोजिशन सिग्मा इज सेम एज सिग्मा कंपोजिशन रो देन दिस थिंग इट्स इक्वल टू रो कंपोजिशन सिग्मा मतलब रो कंपोजिशन सिग्मा इन्फिनिटी होगा बराबर रो कंपोजिशन सिग्मा के बराबर इन केस दे कम्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन दैट्स द नेक्स्ट रिजल्ट सो व्हाट्स दैट थ्योरम इफ रो एंड सिग्मा आर इक्विवेलेंसेस Equivalences on a set S or they are congruences on a semigroup S on a semigroup S such that they commute with respect to the composition rho composition sigma is equal to sigma composition rho. Then this thing holds rho join sigma is equal to rho composition sigma. Rho composition sigma. Proof. We show that this rho composition sigma square is same as rho composition sigma. Its cube is same as rho composition sigma. तो इसका जो power n होगा ना वो rho composition sigma के बराबर होगा. एक्चुअली हमें ये देखना वी शो दैट यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा हम क्या प्रूव करेंगे एक्चुअली वी शो दैट रो कंपोजिशन सिग्मा पावर इनफिनिटी इज इक्वल टू रो कंपोजिशन सिग्मा बट बाय डेफिनेशन ये हम प्रूव करेंगे ये रो कंपोजिशन सिग्मा के बराबर है बट दिस थिंग इज एक्चुअली यूनियन ऑफ रो कंपोजिशन सिग्मा पावर एनस तो एक्चुअली आपको प्रूव करना है फिर ये रो कंपोजिशन सिग्मा पावर एनस जो है ना कोई भी पावर इसका ये रो कंपोजिशन सिग्मा के ही बराबर है
तो जब आप इनका यूनियन दोगे ना सबका, पावर वन का यूनियन पावर टू के साथ, फिर पावर टू पावर थ्री के, ये सारा यूनियन जब आप लोगे एन को वेरी करोगे, यू विल गेट द डिफरेंट कंपोजिशंस। फर्स्ट यू गेट रो कंपोजिशन सिग्मा, देन यू विल हैव रो कंपोजिशन सिग्मा स्क्वायर, देन रो कंपोजिशन सिग्मा क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज टाइप्स ऑफ रिलेशंस यू हैव, देन यू आर टेकिंग द यूनियन ऑफ दोज रिलेशंस, दैट्स एक्चुअली रो कंपोजिशन सिग्मा इन्फिनिटी। बट इफ वी विल सी दैट रो कंपोजिशन सिग्मा पावर एन इज एक्चुअली रो कंपोजिशन सिग्मा, तो इसका मतलब है कि आप यूनियन ऑफ, यू आर टेकिंग द यूनियन ऑफ सेम सेट्स एक्चुअली, क्योंकि हर कोई रिलेशन जो है वो रो कंपोजिशन सिग्मा के ही बराबर आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर के लिए चेक करेंगे। फर्स्ट वी चेक इट फॉर स्क्वायर, वी हैव व्हाट्स दिस रो कंपोजिशन सिग्मा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रो कंपोजिशन सिग्मा कंपोजिशन रो कंपोजिशन सिग्मा। Now, since it's commutative and also associative, because the set of relations is actually a semigroup with respect to this composition operation, so you can commute these two things, then you can apply the associative law, you will get rho composition sigma square composition rho. पहले आप इन दो को कम्यूट करोगे, फिर आप एसोसिएटिव लॉ की मदद से सिग्मा और सिग्मा को आपस एक क्लब करोगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ। बट व्हाट्स रो स्क्वायर, रो स्क्वायर इज इक्वल टू रो इफ रो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर रो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है ना, रो स्क्वायर रो के बराबर होता है, सो इट्स सेम एज रो, इट्स सिग्मा स्क्वायर, सॉरी इट्स सिग्मा, सो इट्स रो कंपोजिशन सिग्मा कंपोजिशन रो। अगेन यू कैन अप्लाई द एसोसिएटिव लॉ एंड यू विल गेट दिस इज इक्वल टू रो स्क्वायर के कंपोजिशन सिग्मा, बट दिस रो स्क्वायर इज अगेन रो बिकॉज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट्स रो कंपोजिशन सिग्मा, रो कंपोजिशन सिग्मा। एंड बाय इंडक्शन यू विल प्रूव दैट रो कंपोजिशन सिग्मा पावर एन इज इक्वल टू रो कंपोजिशन सिग्मा, कैन अप्लाई द इंडक्शन। और कैन प्रूव दिस, सो you can assume that suppose rho composition sigma power k is equal to rho composition sigma, and we will see that rho composition sigma power k plus 1 is also equal to rho composition sigma. So assume this is true for k, rho composition sigma power k is equal to rho composition sigma. Now let's see for k plus 1, rho composition sigma power k plus 1, this is equal to rho composition sigma power k composition rho composition, sorry it's rho here, it's rho composition sigma, but this thing by above, it's by inductive hypothesis, this thing is equal to rho composition sigma composition rho composition sigma, but this is the whole scale which we already seen that this is equal to rho composition sigma. So thus we have this thing, thus rho composition, again thus we have this rho composition sigma power n is equal to rho composition sigma for all n greater or equal to 1. So this implies the union of rho composition sigma power n and runs from 1 to infinity. This is also equal to rho composition sigma, but this thing is equal to the rho composition sigma power infinity, which is equal to rho composition sigma. So this proves the result. So now if you have any question you can ask. So कल से हमारा यूनिट टू स्टार्ट होगा, यूनिट टू फ्री सेमी ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे, semigroup actions, so this
वी विल नॉट डू हियर इट, वी विल डू इट इन यूनिट फोर्थ. ओके, हम फ्री सेमी ग्रुप से कल स्टार्ट करेंगे. सर मैं अटेंडेंस लूँ.